अब मैं सीपी सीवी यह सारी बातें समझाने के बाद नाउ आई विल स्टार्ट अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस. देखिए सबसे पहले मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में सारी बात बताई, फिर आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में सारी बात बताई, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में सारी बात बताई. इन तीनों प्रोसेस के बारे में सारी बात बताने के बाद देन आई हैड एक्सप्लेन समथिंग अबाउट गामा. और खास बात इधर जो गामा की वैल्यू है 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, 7/5 फॉर डाई एटॉमिक गैस एंड 4/3 फॉर ट्राइटॉमिक गैस. जी कहां से आया अभी मैंने इस बात को कभी नहीं बताया. दैट इज बियॉन्ड अवर सिलेबस राइट नाउ. पर देन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट आगे जाके आप फर्दर क्लासेस में उस बात को भी सीखोगे कि गामा की वैल्यू कैसे आई है. अभी हम गामा की वैल्यू को यहीं पर यह वैल्यू लेकर ही आगे काम हमेशा अपना करेंगे. हम उस डेरिवेशन में कभी नहीं जाएंगे कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए यह 5/3 कैसे आया है. मोनो एटॉमिक गैस जब भी दे दिया जाए तो आप 5/3 ले लीजिए, डायटॉमिक जब भी दिया जाए तो आप 7/5 ले लीजिए और ट्राइटॉमिक के लिए 4/3 ले लीजिए. अब मैंने इनफैक्ट यह जो आर्टिकल समझाया यह इसलिए समझाया था क्योंकि अगला प्रोसेस जो मैं कराने वाला हूं दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस और वहां पर यह गामा टर्म अपीयर होती है. द नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डेल्टा क्यू इज जीरो, हीट रिमेन कॉन्स्टेंट. नो ट्रांसफर ऑफ हीट. There is no transfer of heat. अब इधर मैं एक बात और जोड़ दे रहा हूं जिसको अभी तो नहीं समझाऊंगा, इसी चैप्टर के अंतिम में जरूर समझाऊंगा. एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है. एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट. ऐसा क्यों होता है, एंट्रोपी क्या होती है, बात की बात अभी सिर्फ इस बात को नोट डाउन जरूर कर लीजिए. और जब हम एंट्रोपी टर्म को सीखेंगे समझेंगे वहां पर इस बात को दोबारा समझाएंगे भी कि ऐसा हम क्यों कहा, हमने क्यों एंट्रोपी होती क्या है और ये कांस्टेंट कैसे रहती है और कैसे यह एक आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी कहलाता है. नाउ कोई सिस्टम स्टेट वन पर है, इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, यह स्टेट वन पर है और यह सिस्टम स्टेट टू पर जाता है, इसका प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम हो जाता है V2 और टेम्परेचर हो जाता है T2. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डेल्टा क्यू इज जीरो, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. वंस अगेन क्लोज्ड गैस सिस्टम, ये हम हमेशा लेंगे. फॉर क्लोज्ड आइडियल गैस सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ऑफ आइडियल गैस सिस्टम है इसलिए P1 V1
is equal to nRT1 and P2V2 is equal to nRT2. One can always write these two equations for ideal gases. Or इधर से हम यह भी लिख सकते हैं P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 is equal to PV upon T is equal to NR. This equation would always hold for any isoentropic process or adiabatic process. अब इस तरह के adiabatic process के लिए एक equation और hold करती है and that equation is PV to the power gamma is always a constant. This is a special equation which hold for any adiabatic process. Means P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma is equal to PV to the power gamma is equal to constant K. This equation always hold during any adiabatic process. Once again, I am not interested in telling you ki how this equation arises. Once again, beyond our scope right now. Abhi hamare syllabus ke beyond ho jata hai. Abhi to hum sirf itni si baat yahin se start karenge. कि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान PV टू द पावर गामा इज अ कांस्टेंट. P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, गामा गामा इज कांस्टेंट फॉर गैस जिसकी वैल्यू हमने अभी लिख रखी है. PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट मींस P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट K. यह इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी. अब हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान हम पीवी ग्राफ बनाते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान हम पीवी ग्राफ बनाते हैं. द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस. वंस अगेन वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा और इस कर्व को हम एडियाबैट कहेंगे. एडियाबैट, दिस वुड बी कॉल्ड एन एडियाबैट. एडियाबैट मींस पीवी ग्राफ ड्रॉन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. अभी तक हम एक और बात बताते हैं. आइसोथर्म इस तरह का दिखता है. यह आइसोथर्म है. दिखने में एडियाबैट और आइसोथर्म एक जैसे दिखेंगे मगर एक डिफरेंस जो साफ होएगा वो यह है कि एडियाबैट कुछ ज्यादा स्टीप होएगा. एडियाबैट की स्टीपनेस ज्यादा होगी. दोनों एक तरीके से फिसल पट्टी के माफिक दिखेंगे जैसे वो स्लोप होता है कि नहीं स्टीप बच्चों के खेलने की. बस आइसोथर्म उसकी स्टीपनेस कम होगी. स्टीपनेस कम होना मतलब कंफर्टेबल जर्नी होगी और एडियाबैट की स्टीपनेस काफी ज्यादा होगी मतलब काफी डरावना फिसल पट्टी होगी एकदम से नीचे जाती है इस तरह से. आइसोथर्म और एडियाबैट दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं मगर एडियाबैट की स्टीपनेस ज्यादा है. मैं इस बात को PV to the power gamma equal to constant के इधर से भी प्रूव कर सकूंगा.
वंस अगेन इसे प्रूव करने के लिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा. पीवी टू द पावर गामा को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ के. मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया. वंस अगेन डिफरेंशियल ऑफ के जो कि एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल जीरो होगा, इसका कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, डीके मस्ट बी जीरो. व्हाइल डिफरेंशियल ऑफ पीवी टू द पावर गामा, वंस अगेन इधर दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स का ये प्रोडक्ट है. प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, दोनों का डिफरेंशियल करा जा रहा है. हम पी को कॉन्स्टेंट रख के पहले वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वी टू द पावर गामा को कॉन्स्टेंट रख के प्रेशर को डिफरेंशिएट करेंगे. देखिए कुछ इस तरह से, हमने पहले पी को कांस्टेंट रखा और अब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. वॉल्यूम को वी टू द पावर गामा है, तो गामा इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन इंटू डीवी, यह वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दिया. अब इसके बाद हम वी टू द पावर गामा को कांस्टेंट रख रहे हैं, या वी टू द पावर गामा को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को डिफरेंशिएट करेंगे डीपी. P है इधर, इसका डिफरेंशियल dP, दिस मस्ट बी जीरो. इस तरह से हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा है. प्रेशर को कांस्टेंट रखा और V टू द पावर गामा को डिफरेंशिएट करा. V टू द पावर गामा को कैसे डिफरेंशिएट करा, x टू द पावर n का डिफरेंशियल होता है n x टू द पावर n माइनस वन, और v को डिफरेंशिएट करा इसलिए dv, और फिर v टू द पावर गामा को कांस्टेंट रखा और p को डिफरेंशिएट कर दिया. अब मैं थ्रू आउट इस इक्वेशन में v टू द पावर गामा माइनस वन को कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर बचा रह गया गामा p इंटू dv प्लस इधर v बचा रह जाएगा v इंटू डीपी. दिस थिंग मस्ट बी जीरो. v टू दी पावर गामा माइनस वन इधर कॉमन आया, इधर से v टू दी पावर गामा माइनस वन कॉमन आएगा, तो एक v अंदर बचा रह जाएगा. सी हाउ आई हैड रोट दिस इक्वेशन इन दिस मैनर. ब्रैकेट के बाहर वी टू पावर गामा माइनस वन है, ये वी टू पावर गामा माइनस वन, इधर से वी टू पावर गामा माइनस वन कॉमन जब बाहर आएगा तो अंदर एक वी जाएगा और डीपी बचा रह जाएगा. अब हम कहते हैं वी टू पावर गामा माइनस वन यह नॉन जीरो होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वॉल्यूम तो हमेशा फाइनाइट होता है, और यदि वॉल्यूम फाइनाइट होता है तो वी टू पावर गामा माइनस वन ये तो जीरो हो नहीं सकता. यह जीरो नहीं हो सकता तो यह टर्म इसलिए जीरो होगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर गामा पी डीवी प्लस वी डीपी इस टर्म को जीरो होना चाहिए. और यह टर्म जीरो कैसे होगी, गामा पी डीवी मस्ट बी इक्वल टू माइनस वी डीपी. यह होल्ड करना चाहिए. एंड फाइनली आई कैन राइट dP by dV, dP by dV, this is dP, dV नीचे आ गया और इधर से वॉल्यूम नीचे आ गया, this minus gamma times P upon V. This dP by dV P versus V ग्राफ में, जो PV ग्राफ है
I had called it adiabat, this dp by dv would called, it would be called slope of adiabat. The slope of adiabat. Now, what do you mean by slope of adiabatic? The slope of adiabatic का मतलब है कि जो adiabatic graph, adiabatic process के लिए जो adiabat बनाया है, ये कितना steep है, ये कितना तेजी से नीचे जा रहा है। हमने isothermal process के लिए slope of isotherm बताया था, जरा recall करें, इसी समय isothermal process के लिए slope of isotherm, जरा pages turn करें, we will see slope of isotherm is minus P by V. यह isothermal process है, और इस isothermal process का slope होता है minus P by V, किसी भी point पर, और adiabatic process के लिए जो हमने slope देखा है, that is minus gamma times P by V, इसका मतलब है, slope of adiabat is gamma times slope of isotherm. Slope of adiabat is gamma times slope of isotherm. इसका मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस की स्टीपनेस, एडियाबैटिक प्रोसेस गामा टाइम्स स्टीपर होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस. और वही चीज इधर मैंने ग्राफ में बता रखी कि इस पॉइंट पर आइसोथर्मल प्रोसेस कर्व ऐसा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस की स्टीपनेस ज्यादा. अब खास बात, किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, इसे मैंने डिराइव कभी नहीं करा है. ये कहां से आया ये अभी कभी नहीं बताया है मैंने. मैंने कहा है कि यहीं से हमें पढ़ना स्टार्ट करना होगा. ये कहां से आया है, वी विल स्टडी दिस इन अवर हायर क्लासेस. हां, पीवी टू द पावर गामा से ये बात बिल्कुल साफ है कि यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम को जीरो करने के लिए प्रेशर को इंफिनिटी बनाना होगा. दैट्स व्हाई दिस कर्व. और प्रेशर यदि कम होएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. पीवी टू द पावर गामा वुड ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. यहीं से हमने बात को, इस प्रोसेस को समझना स्टार्ट करा है, इसी को डिफरेंशिएट करा. इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यह इक्वेशन लिखी. अब v टू दी पावर गामा माइनस वन वुड बी नॉन जीरो. ये कॉमन निकाल के v टू दी पावर गामा माइनस वन दिस वुड बी नॉन जीरो. मैंने कहा यदि आपने कोई गैस ली है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ गैस है, उसमें फाइनाइट मोल्स हैं, तो उसका फाइनाइट वॉल्यूम होना चाहिए. और यदि उसका फाइनाइट वॉल्यूम है तो v टू दी पावर गामा माइनस वन ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता. दिस क्वांटिटी वुड बी ऑलवेज अ नॉन जीरो क्वांटिटी. And if this quantity is non-zero and this expression is zero, in that case, यह quantity non-zero हो जाने से पक्का है bracket के अंदर की यह जो quantity है इसको zero होना पड़ेगा. This quantity is zero. Gamma P dV plus VdP, this must be zero. Hence, gamma P dV must be equal to minus of VdP. और इधर से यह expression आ गया है. This is for adiabatic process, slope of adiabatic processes minus gamma times P by V. अब इधर मैं फिर recall कराता हूं कि isothermal process के लिए हमने लिखाया था slope of isotherm is minus P by V. Pages turn कीजिए, isothermal process के बारे में देखिए, वहां पर यह चीज हमें लिखी हुई दिखेगी. Minus P by V की जगह slope of isotherm लिखा, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्म वुड बी स्लोप ऑफ एडियाबेट. अब इसको फिजिकली समझो,
फिजिकली इसका मतलब है कि जब हम पीवी ग्राफ बनाएंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस यदि ऐसा दिख रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस गामा टाइम्स स्टीपर होगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यह सारी बातें पहले नोट डाउन कीजिए, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यह सारी बातें पहले नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ एक जनरलाइज्ड तरीके से बनाया जा सकता है, मगर इसके लिए पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ का कोई जनरलाइज्ड कर्व ड्रॉ नहीं करा जा सकता। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ का कोई जनरलाइजेशन नहीं है, इट मे बी एनी टाइप ऑफ कर्व। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इसी समय बताता हूं। मैं ये स्लोप वाले कंसेप्ट को साफ कर देता हूं। देखिए, अब मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सिर्फ दो ही इक्वेशन लिखी रहने दी है, एक तो पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर कॉन्स्टेंट और दूसरा पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं वॉल्यूम टेम्परेचर फंक्शन डिटरमाइन करता हूं और प्रेशर टेम्परेचर फंक्शन डिटरमाइन करता हूं। कैसे करूंगा ध्यान से देखिए, PV टू द पावर गामा इज कॉन्स्टेंट K, PV टू द पावर गामा इज कॉन्स्टेंट K एंड PV इज इक्वल टू NRT। इन दोनों इक्वेशन से मैं सबसे पहले प्रेशर टेम्परेचर कर्व निकालता हूं। प्रेशर टेम्परेचर के लिए मैं वॉल्यूम को एलिमिनेट करूंगा। वॉल्यूम को कैसे एलिमिनेट करूंगा, वॉल्यूम को लिखूंगा NRT अपॉन P, वॉल्यूम को लिखूंगा एनआरटी अपॉन पी और इस वॉल्यूम को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं पी और वॉल्यूम की जगह एनआरटी अपॉन पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के। और फिर मैं लिख देता हूं पी टू द पावर वन माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के अपॉन एन आर टू दी पावर गामा विच इज इक्वल टू सम अनदर कॉन्स्टेंट की डैश एंड आई विल से पी टू दी पावर वन माइनस गामा इंटू टी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सम अनदर कॉन्स्टेंट की डैश। अब हम कहते हैं इस तरह की रैंडम इक्वेशन के लिए कोई भी कर्व बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, हम पीटी कर्व कभी भी नहीं ड्रॉ करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, उसे हम जनरलाइज कर नहीं पाएंगे। दिस वुड बी द पीटी फंक्शन, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फंक्शन। अब इसी तरह से वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फंक्शन भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, प्रेशर की जगह पर लिखूंगा एनआरटी बाय वी। इसी में मैं लिखता हूं प्रेशर इज एनआरटी बाय वी, दिस प्रेशर। अब इस प्रेशर क्वांटिटी को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं एनआरटी अपॉन वी इनटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के और इधर से आ जाएगा टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू के अपॉन एन आर विच मे बी इक्वल टू के डबल डैश। इट मींस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वन कैन ऑल्सो राइट T V to the power gamma minus 1 is equal to K double dash.
one can always write this equation and this equation for adiabatic process. Once again, T V to the power gamma minus 1 equal to K double dash, इसके लिए भी कोई generalized curve बना पाना बड़ा मुश्किल होता है. इसीलिए adiabatic process के लिए हम सिर्फ PV graph ही बनाएंगे, हम VT graph भी नहीं बनाएंगे और PT graph भी नहीं बनाएंगे. यह दोनों equation adiabatic process के लिए लिख लीजिए. इसके बाद अब जो मैं समझाने जाऊंगा, दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन समझाऊंगा. पहले इसे लिख लीजिए. चलिए, ये सब चीज देखने के बाद अब हम वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, वहां उसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं. एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होएगा, वर्क डन क्या होएगा, वह डिटरमाइन करते हैं. मैं वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसके लिए एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एडियाबैट बना दूं एक और बार. PV is like this. This is adiabat, जिसको मैंने isotherm से ज्यादा steeper बताया है. इसके बाद एक और बार रिकॉल करा दूं, मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यह टर्म लिखी है, एक इक्वेशन तो यह लिखी है, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू K. और एक यह इक्वेशन लिखी है P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 is equal to PV upon T is equal to NR. हमने यह equation adiabatic process के लिए लिखी थी, जो आपको thoroughly दिमाग में बैठा के रखना है कि तो PV to the power gamma is constant. And another is PV upon T is NR, or PV equal to NRT. अब change in internal energy is NCV delta T. This is change in internal energy. क्या आप मुझे बताएंगे what is this delta T equal to? डेल्टा टी इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. दिस इज चेंज इन टेम्परेचर. व्हाट इज द सीवी इक्वल टू? समबडी प्लीज टेल मी व्हाट इज द सीवी इक्वल टू. व्हाट इज द सीवी इक्वल टू? सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? दैट इज दिस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. व्हाट इज दिस एक्सप्रेस डैश? इसका एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा है अभी अभी? इट्स आर अपॉन गामा माइनस वन. अभी अभी हमने लिखा है. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एन इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन. This is change in internal energy during adiabatic process. यह जो expressions मैं लिख रहा हूं बार बार इन्हें revise करना होगा.
बार बार इन्हें पढ़ना होंगे. जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए तो हमेशा एक्सप्रेशन फिक्स लिखा है एनसीवी डेल्टा टी. डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, हम जानते हैं. और सीवी के लिए एक्सप्रेशन मैंने अभी अभी लिखवा दिए हैं सभी गैसेस के लिए. अब वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन होता है इंटीग्रल पीडीवी, जिसको ग्राफिकली हम लिखते हैं एरिया अंडर पीवी ग्राफ. दिस इज ऑल टाइम डेफिनेशन, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में भी यह डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे. अब इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं. पीडीवी, आप इधर से देखिए, मैं पी की जगह पर के अपॉन वी टू दी पावर गामा लिख सकता हूं. ऑब्जर्व दैट फॉर पी आई कैन राइट के अपॉन वी टू दी पावर गामा. आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर पी, फॉर प्रेशर. ध्यान से देखिए, के अपॉन v टू दी पावर गामा इन टू डीवी. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस. नाउ k इज अ कॉन्स्टेंट, k कॉन्स्टेंट है इसलिए इसे इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाना चाहिए. k इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया और इंटीग्रल साइन के अंदर क्या रह गया, ये 1 अपॉन v टू दी पावर गामा है. तो इसको मैं लिख दू v टू दी पावर माइनस गामा डीवी. वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. इनिशियल वॉल्यूम v1 है और फाइनल वॉल्यूम v2 है. दिस इज इंटीग्रल ऑफ v टू दी पावर माइनस गामा डीवी. And this volume changes taking from V1 to V2. अब क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, ये तो बाहर है ही, what is integral of V to the power minus gamma dV? X to the power n dx. इसका integral क्या होता है? Formula नीचे लिख देता हूं मैं. इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स. इसका इंटीग्रल होता है, बिल्कुल सही, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. वही फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई करूंगा. वी टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन. इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट v1 नीचे, अपर लिमिट v2 ऊपर. यह इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दिया और यह इंटीग्रल लिख दिया. अब इस तरह से इंटीग्रेट करने के बाद पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. तो k तो बाहर ही लिखा रह जाएगा और अपर लिमिट में v2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस वी वन टू दी पावर वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा नीचे. और वर्क डन के लिए अब मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, के अंदर ले जाता हूं, के वी टू टू दी पावर वन माइनस गामा माइनस के वी वन टू दी पावर वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा. अब मैं एक बड़ा स्पेशल ऑपरेशन कर रहा हूं. पहले यहां से यहां तक लिख लीजिए, इसको ऑर्डर में लिखिएगा.
पहले यहां कार्व बना लीजिएगा, फिर यह इक्वेशन, फिर यह इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को दोबारा लिखने के बाद फिर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी यह आर्टिकल अलग से लिखिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर इसके बाद वर्क डन की जनरलाइज डेफिनेशन, इस जनरलाइज डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए प्रेशर टर्म का सब्स्टिट्यूशन, और फिर के बाहर निकाल के यह लिखा हुआ, फिर इसको इंटीग्रेट करके दिखाया हुआ, इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैंने यह फॉर्मूला इस्तेमाल करा है। जो फॉर्मूला इस्तेमाल करा उसको साफ कर देता हूं, आई नीड सम स्पेस। और फिर इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1 और नीचे 1 माइनस गामा। अब जो मैं करने जा रहा हूं, इधर मैंने ब्रैकेट खोल दिया और K को V2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और K को V1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस K की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा P2V2 टू द पावर गामा। इस K की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा P2V2 टू द पावर गामा और इस K की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा P1V1 टू द पावर गामा। इसी समय आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, इधर सब्स्टिट्यूट करना P2V2 टू द पावर गामा, दिस K इज P2V2 टू द पावर गामा, और इस K की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना P1V1 टू द पावर गामा, क्योंकि K हम कुछ भी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट इट इन दिस मैनर, वर्क डन इज P2V2 टू द पावर गामा इंटू V2 टू द पावर 1 माइनस गामा, माइनस P1 K की जगह P1V1 टू द पावर गामा इंटू V1 टू द पावर 1 माइनस गामा होल अपॉन 1 माइनस गामा। कैन यू ऑब्जर्व समथिंग, किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है? इधर V2 टू द पावर गामा इंटू V2 टू द पावर 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा P2V2 और इधर V1 टू द पावर गामा इंटू V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। Or it may be written in this manner, work done is P1V1 minus P2V2 upon gamma minus 1, since gamma is greater than 1. This is the work done, P1V1, initial P1V1 minus final P2V2 upon gamma minus. अब खास बात, you will observe that this is area under this PV graph. ये जो PV graph है एडियाबैटिक प्रोसेस में, यह जो पीवी ग्राफ है, इट्स एरिया अंडर दिस। P1V1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं, P1V1 की जगह NRT1 और P2V2 की जगह NRT2 upon gamma minus 1। In further simplified manner, NR upon gamma minus 1
into T1 minus T2. यह जो वर्क डन आया है इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, कैन यू ऑब्जर्व क्या दिख रहा है यह? This work done is n aisa kaise hi r upon gamma minus 1. This is Cv. T1 minus T2. This is minus of delta T. And this work done comes out to be minus of change in internal energy. This is work done during adiabatic process. P1V1 minus P2V2 upon gamma minus 1. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, NRT1 minus NRT2 upon gamma minus 1. N common R upon gamma minus 1 एक साथ लिख दिया, अंदर बचा रह जाएगा T1 minus T2. T1 minus T2 is minus of delta T. R upon gamma minus 1 is Cv. N की जगह है. NCV delta T is change in internal energy, means work done is minus of change in internal energy. This is work done by system. हमने यह work done by system determine करा है, क्योंकि pressure हमने system का लिया है हमेशा. अब let's recall first law of thermodynamics. इसी समय हम first law of thermodynamics recall करते हैं. मैंने कैसे लिखा था जरा देखिए, हीट ट्रांसफर्ड बाय सिस्टम प्लस वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ सिस्टम. इस तरह से लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एक और बार समझाता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम. सिस्टम को हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और साथ में वर्क के रूप में भी, सराउंडिंग ने कुछ सिस्टम के ऊपर वर्क भी कर दिया तो सिस्टम ने डेल्टा की अमाउंट ऑफ हीट भी ले लिया, वर्क भी सराउंडिंग से करवा लिया और दोनों को अपने पास इंटरनल एनर्जी के रूप में रख लिया. इस तरह से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा था. अब हम कहते हैं एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए वर्क डन बाय सराउंडिंग दिस वुड बी माइनस ऑफ work done by system and this would be minus of minus delta E. This would be delta E. Work done by surrounding जो कि हमेशा होता है minus of work done by system, reversible process के लिए हमने बताया था, और work done by system वो अभी हमने already note कर लिया है minus of delta E, तो work done by surrounding delta E हो गया. अब हम लिख देगा डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम प्लस वर्क डन बाय सराउंडिंग की जगह पर डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई.
Hence, delta Q of system is equal to 0. इस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफर्ड 0 होता है और यही कंडीशन तो हम सबसे पहले शुरू से लेकर चले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0। यह सब कंडीशन यदि होल्ड करती है तो वह सिस्टम किसी भी तरह से न तो हीट लेगा न देगा। वो सिस्टम अपना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है और उसे अपना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बाहर से कोई हीट नहीं लेना है, वो खुद ही एक्सपांड हो जाएगा और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो खुद ही यदि कॉन्टैक्ट हो गया तो उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में जैसा मैंने बताया है एक बैलून का बर्स्ट होना, दैट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। जब बैलून बर्स्ट होता है तो गैसेस का वॉल्यूम एकदम तेजी से बढ़ता है और बढ़ती हुई उन गैसेस के वॉल्यूम से वर्क हो रहा है और उस वर्क के होने से इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। सराउंडिंग से वो कोई हीट लेता देता नहीं है, उसी के एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन से उसका टेम्परेचर बढ़ता और घटता है। हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम 0 रहता है, मतलब सिस्टम कोई हीट एक्सचेंज नहीं करता है। एंड वॉट एवर इज वर्क इज डन दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिस्टम वर्क करके अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा भी सकता है और अपनी इंटरनल एनर्जी को कम भी कर सकता है, मतलब अपना टेम्परेचर बढ़ा भी सकता है और अपना टेम्परेचर को कम भी कर सकता है। सच अ प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। वंस अगेन, अभी जितने भी प्रोसेस मैंने बताए हैं, चारों प्रोसेस के बारे में जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, इन सबको अभी आप नोट डाउन कीजिए। इनको बार बार पढ़ना पड़ेगी, बार बार इन पर प्रॉब्लम्स करना पड़ेंगे। जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो ये सारे नोट्स आपको खोलकर देखना पड़ेंगे। जब एडियाबेटिक प्रोसेस पर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको नोट्स खोलकर देखना पड़ेंगे और इस तरह से जब आप नोट खोलकर देखेंगे, बार बार उनको रिवाइज करेंगे, तब ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे और तब यह सारी चीजें परफेक्टली समझ में आएगी। यू नीड टू रीड इट अ मिनिमम ऑफ 5 to 6 टाइम्स, 5 से 6 बार साल भर में जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको इनके सारे कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आएंगे और अप्लाई भी करते रहना पड़ेगा। एनीवे, दैट्स ऑल रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ थर्मो डायनामिक्स। इसी के साथ थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट समाप्त हुआ। नाउ आई विल स्टार्ट द चैप्टर दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। हम इनफैक्ट थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले थर्मोडायनामिक्स के कई कंसेप्ट हमें समझ लेना होते हैं। हमने वह कंसेप्ट सारे अभी तक प्रॉपरली समझ लिए हैं और अब हम खास चैप्टर जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है थर्मोकेमिस्ट्री, वह अभी से स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट अभी से नहीं, अगले लेक्चर से स्टार्ट कराऊंगा। आई विल स्टार्ट थर्मोकेमिस्ट्री फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। आज के दिन इतना ही।